हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिनों के अंदर हम सारे इंडियन के लिए वो खास दिन आने वाला है जिस दिन हम सारे इंडियन को आज़ादी मिला था। हम सारे इंडियन ये दिन को अपने अपने हिसाब से बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। इस दिन को हम सभी के सामने जो जो लोग रहते हैं उन सारे लोगों को इस दिन की शुभकामनाएं आमने सामने फेस टू फेस बता देते हैं, लेकिन जो दोस्त या फिर जो फैमिली मेम्बर बाहर रहते हैं उन सारे लोगों को इस दिन का शुभकामनाएं व्हाट्सएप में या फिर कॉल करके बताया जाता है। तो कुछ साल पहले चाहे वो इंडिपेंडेंट डे हो या फिर कोई दूसरा फेस्टिवल, उन फेस्टिवल का शुभकामना जानने के लिए हम लोग टेक्स्ट करते थे, लेकिन अभी जो लोग करते हैं चाहे कोई फेस्टिवल हो या फिर कोई दूसरा सिचुएशन, उस सिचुएशन के हिसाब से लोग स्टिकर को यूज करते हैं। ऐसे तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आपको अलग अलग स्टिकर मिल जाएगा, आप उन सारे स्टिकर को डाउनलोड कर सकते हो और उसे यूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा चाहे आप अपनी फ़ोटो से हो या फिर किसी दूसरे की फ़ोटो से व्हाट्सएप के स्टिकर को कैसे बना सकते हो और उसे व्हाट्सएप के अंदर यूज भी कर सकते हो। सिर्फ आप ही नहीं, आप जिसको स्टिकर को भेजोगे वो भी उस स्टिकर को यूज कर सकते हैं आगे। तो आप भी इस इंडिपेंडेंट डे में अपनी फ़ोटो को व्हाट्सएप स्टिकर बनाना चाहते हो और उसे आगे चल के यूज करना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। कैसे आप अपने नॉर्मल से फोटो को व्हाट्सएप स्टिकर बनाने के बाद आप उसे अपने व्हाट्सएप के अंदर ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहे। तो सबसे पहले आप अपने कुछ फ़ोटो को इंडिपेंडेंट डे के हिसाब से क्लिक कर लीजिए, या फिर आप अपनी फोटो को किसी दूसरे फेस्टिवल के हिसाब से बनाना चाहते हो तो उस हिसाब से उस फोटो को क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपकी फोटो की बैकग्राउंड जो है उसे इरेज करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, मेरे पास यहाँ पे दो एप्लीकेशन मौजूद है, एक है बैकग्राउंड इरेजर और दूसरा है पीकट। तो आपने जो फोटो को क्लिक किया व्हाट्सएप स्टिकर बनाने के लिए, सबसे पहले आपको उन सारी फोटो की जो बैकग्राउंड है उसे इरेज करना बहुत जरूरी होता है व्हाट्सएप स्टिकर बनाने के लिए। तो आप अपनी उन सारी फोटो की बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए ये दो एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। तो मैं पहले अपनी एक फोटो की बैकग्राउंड को इरेज करके दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन की मदद लेकर आप पीकट की मदद से अपनी फोटो की बैकग्राउंड को इरेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और आपको मालूम नहीं है कि किस तरह से आप पीकट की मदद से अपनी फोटो की बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो तो उस रिलेटेड मैं एक दूसरा वीडियो बना है और उसे यूट्यूब के ऊपर डाल के भी रखा है, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। मैं उस वीडियो की लिंक इस वीडियो की लास्ट में दे दूंगा। तो जैसे ही आप बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके पास यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर की जो इंटरफेस है यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है लोड इमेज करके एक ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन के अंदर जितना सारा फोटो होगा वो सारे फोटो आपके पास हो जाएगा। आप वहाँ से उन सारे फोटो के बीच में से वो फोटो सिलेक्ट कर लेना जिस फोटो को आप व्हाट्सएप स्टिकर बनाना चाहते हो। मैं पहले से अपनी कुछ फोटो की बैकग्राउंड को इरेज करके रखा है जिसे मैं वीडियो के आगे चल के दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल मोदी जी की जो फोटो है इसका बैकग्राउंड को यहाँ पे इरेज करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आप फोटो के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे आपकी जो फोटो है यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड को इरेज करने की जो टूल्स की जरूरत पड़ता है वो सारे टूल्स आपके पास आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल ऑटो जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक सर्कल जैसा ऑप्शन आ चुका है, आपको यहाँ पे जो करना है आपको इस सर्कल को उस पोजीशन पर रखना है जिस पोजीशन की कलर को आप हटाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे जो फोटो की बैकग्राउंड है सफ़ेद कलर की इसके ऊपर मैं इसको रखता हूँ, और जैसे ही रखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिक यहाँ से बैकग्राउंड इरेज हो चुका है, और उसी तरह से यहाँ पे भी रखता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो इस फोटो की जो बैकग्राउंड था वही यहाँ पे पूरा ऑटोमेटिक हट चुका है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप जिस फोटो को क्लिक करोगे उस फोटो की बैकग्राउंड एक ही कलर का होगा तो आप बहुत ही आसानी से अपनी फोटो की बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पे बैकग्राउंड को इरेज करने के बाद आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउन का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से एक पेज खुल जाएगा, आपको यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 करके कुछ ऑप्शन है। आपको मैं यहाँ पे इस फोटो को थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो इस पूरे फोटो की जो बॉर्डर बराबर एक सफ़ेद कलर का पट्टी जैसा है, इस पट्टी को हटाने के लिए आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जो 1 2 3 4 करके ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक करते जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जैसे 2 के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे लगभग ये जो सफ़ेद कलर की पट्टी था ये यहाँ से हट चुका है। अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा थोड़ा करके सफ़ेद जैसा पट्टी है, तो मैं यहाँ पे 3 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो और भी क्लीन हो चुका है। तो इसी तरह से आप अपने फोटो के हिसाब से नीचे की तरफ जो 1 2 3 4 करके ऑप्शन है इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, और सिलेक्ट करने के बाद आपको जब लगे कि हाँ मेरी फोटो से पूरी तरह से बैकग्राउंड इरेज हो चुका है तब आपको इस फोटो को सेव कर लेना है। और इस फोटो को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ एक सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है एक फिनिश करके ऑप्शन है, आपको यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपकी फोटो जो है वो सेव हो चुका है आपकी गैलरी के अंदर। आपको यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना है, आपको कम से कम इस तरह से 3 फोटो की बैकग्राउंड को इरेज करना है, नहीं तो आप उन सारी फोटो को अपने व्हाट्सएप के अंदर स्टिकर के हिसाब से सेव नहीं कर सकते हो। तो आपको उन सारी फोटो को आपकी व्हाट्सएप के अंदर स्टिकर के हिसाब से ऐड करने के लिए आपको एक दूसरे एप्लीकेशन की जरूरत पड़ता है, उस एप्लीकेशन का जो नाम है पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप।
आपको यहाँ पे बताया गया हर एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ लिंक को फॉलो करके इन सारी एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। आप अपनी जिन सारी फोटो की बैकग्राउंड को इरेज की हो अपने व्हाट्सएप स्टिकर बनाने के लिए, उन सारी की सारी फोटो को एक फोल्डर के अंदर आपको सबसे पहले लेकर आना है। उन सारी फोटो को एक फोल्डर के अंदर लेकर आने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और जैसे ओपन कर लोगे तो आपके फ़ोन के अंदर जितना सारा PNG फोटो होगा अलग अलग फोल्डर के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ही पे देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे इन सारी फोटो को अपनी व्हाट्सएप स्टिकर के अंदर यूज करने के लिए इसके बैकग्राउंड को इरेज करके रखा है। और इसके बगल पे एक ऑप्शन है ऐड करके, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पे बस थोड़ी टाइम के लिए वेट करना है। और आप ही में देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह से एक पॉपअप खुल के आएगा। आपको यहाँ पे एक ऐड करके ऑप्शन है, आपको दोबारा यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये सारे फोटो आप ही में देख सकते हो आपकी व्हाट्सएप के अंदर ऐड हो चुका है। यहाँ पे जो ऐड लिखा हुआ था यहाँ पे अभी एक टिक का निशान आ चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप अपने व्हाट्सएप के अंदर इसे तो ऐड कर लिया, तो व्हाट्सएप के अंदर जाके इसे यूज करने के लिए आपको जो करना है, आपको सबसे पहले आपकी जो व्हाट्सएप है उसे ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप के अंदर आने के बाद आपको किसी कॉन्टैक्ट के अंदर जाना है जिसे आप इस स्टिकर को भेजना चाहते हो। कॉन्टैक्ट के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक इमोजी का ऑप्शन दिखा है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे वो सारे इमोजीज हो जाएगा जो पहले से आपने डाउनलोड करके रखे हो और जो अभी अभी आपने इसके अंदर ऐड किए हो। तो आप ही में देखे तो मैं जो मोदी जी की फोटो को एडिट किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जिस फोटो को एडिट करके यहाँ पे ऐड करोगे वो सारे फोटो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी ये सारी फोटो आपकी व्हाट्सएप स्टिकर बन चुका है और आप अपने हिसाब से ये सारे फोटो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत और भी एडिट कर सकते हो, इसके नीचे हैप्पी इंडिपेंडेंट डे भी लिख सकते हो। मैंने बस आपको ये तरीका बताया है कि किस तरह से आप अपने खुद की फोटो को व्हाट्सएप स्टिकर बना सकते हो। आप अपने हिसाब से और भी बढ़िया तरीके से इसे एडिट कर सकते हो और अभी जो इंडिपेंडेंट डे आ रहा है उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली के साथ इस इंडिपेंडेंट डे को बहुत ही इंजॉय कीजिए। आप आगे चल के इस तरह का और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर नए नए वीडियो देखना चाहते हो तो आप टेक्निकल सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद पास में आई हुई घंटी को दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप भी अपनी फोटो को व्हाट्सएप स्टिकर बनाने के बाद कोई प्रॉब्लम आता है या फिर कोई प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो तो उन सारी प्रॉब्लम को आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा आप सभी के क्वेश्चन का बहुत जल्द रिप्लाई देने का। तो आज का वीडियो पे बस इतना ही। आप सभी खुश रहे, सलामत रहे और इस इंडिपेंडेंट डे को बहुत ही अच्छी तरह से मनाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।